नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में बैठक होगी, जहां बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक होने वाली है, जहाँ स्कूल शिक्षा विभाग स्थानांतरण की चर्चा होगी और साथ ही अतिथि शिक्षकों के मानदेय वृद्धि को भी हरी झंडी मिलने वाली है। तो बेहद ही खास बैठक इसे माना जा सकता है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ठीक 9:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगाई जा सकती है, जिनमें स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण को लेकर चर्चा होगी और साथ ही जो अतिथि शिक्षक है उनके मानदेय में वृद्धि करने को भी हरी झंडी दिखाई जा सकती है। देखिए, प्रदेश में कई सारे अतिथि शिक्षक हैं जो अपने मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, और ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा भी कर सकते हैं और साथ ही ये माना जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक ठीक 9:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में होने जा रही है, जहां पर कैबिनेट के कई सारे मंत्री मौजूद रहेंगे, चर्चा की जाएगी और देखने वाली बात होगी कि और कौन कौन से प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगाई जा सकती है जनता के हित में, जिससे जनता को सीधा लाभ पहुंचाया जा सके। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए। विवेक, शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कई अहम प्रस्ताव माने जा रहे हैं जिस पर मुहर लगाई जा सकती है, कौन कौन से प्रस्ताव पेश होंगे? बिल्कुल, मध्य प्रदेश और देशभर के लिए एक बड़ा मामला पिछले कई सालों से चल रहा है, मॉब लिंचिंग, और मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार पॉलिसी बनाने जा रही है और इस पॉलिसी में 10 लाख रुपए तक का मुआवजा पीड़ितों को दिया जाएगा और इस योजना को लेकर मसौदा तैयार हो चुका है और आज इस बैठक में प्रस्ताव लेकर आया जाएगा और इसकी मंजूरी के बाद यदि मॉब लिंचिंग से पीड़ित की मौत होती है तो उसे 10 लाख तक का मुआवजा मिलेगा और इसके साथ साथ घायलों के लिए भी 6 से 7 से 8 लाख रुपए तक का प्रावधान रखा गया है। जो भी मॉब लिंचिंग में घटनाएं होंगी उसमें जो धर्म, जाति, भाषा किसी वजह से होती है तो इसमें मुआवजा देने का प्रावधान होगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में कई ऐसी घटनाएं आ चुकी है। पिछले ही दिनों खंडवा में देखने के लिए मिला, जहां 2 मुस्लिम पुरुषों की पिटाई हुई थी। ईद के बाद पजल दल की कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका था और आरोप लगे थे कि गौ मांस ले जा रहे थे, इस वक्त उन्हें पीटा गया और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से ये कहा गया कि राज्य सरकारों को कि इसको लेकर अभी तक मुआवजे की राशि का ऐलान या कोई भी पॉलिसी बनाई क्यों नहीं गई है। और इसके बाद ही राज्य सरकार ने तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद कि मध्य प्रदेश में भी मॉब लिंचिंग को लेकर ये पॉलिसी बनाई जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के लिए भी एक बड़ी राहत है कि स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव लेकर आ रहा है जिसमें डॉक्टरों का सालाना वेतन 1.70 करोड़ रुपए तक होगा और मेडिकल ऑफिसर की 2.5 करोड़ तक की वार्षिक फायदा पहुंचाने का ये पूरा प्रस्ताव रहेगा और साथ साथ जो खाली पद डॉक्टरों के भरे हैं वहां पे भी पदों को भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। तो बेहद ही खास बैठक इसे माना जा सकता है विवेक, और देखने वाली बात होगी और कौन कौन से प्रस्ताव है जिस पर चर्चा होती है। और सबसे खास है कि मॉब लिंचिंग लगातार देश में घटनाएं बढ़ती जा रही है और उस पर एक्शन लेने की भी जरूरत है। फिलहाल के लिए मैं आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ में बने रहिए। देखिये, राज्य सरकार प्रयास कर रही है, जहां मॉब लिंचिंग पर अगर जो पीड़ित है मॉब लिंचिंग से, उनके परिजन पीड़ित है, तो ऐसे में उन्हें राहत राशि दी जाएगी 10 लाख रुपए की, तो इस पर भी चर्चा की जाएगी और उसके साथ ही अतिथि शिक्षकों के मानदेय वृद्धि को भी हरी झंडी दिखाई जा सकती है। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी की ओर से पहली सूची जारी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की दूसरी सूची जारी नहीं हुई है और उसकी वजह भी सामने आ रही है, जहां अमित शाह और संगठन की रिपोर्ट में विरोधाभास हो रहा है। बीजेपी में दूसरी सूची को लेकर मंथन लगातार जारी है, जहां रिपोर्ट में गफलत की वजह से मंथन जारी है और साथ ही संगठन की नजर पर कई सारे प्रत्याशी भी है, इनमें से एक उम्मीदवार को चुनना काफी मुश्किल हो रहा है बीजेपी के लिए। वहीं देखा जाए तो केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक अभी तक नहीं हुई है, तो ये तमाम कारण जिसकी वजह से बीजेपी ने यह कहा था कि सितंबर तक भी उनकी दूसरी सूची जो है प्रत्याशियों की वो जारी हो जाएगी, लेकिन अब कई सारे व्यवधान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
ज्यादा जानकारी लूंगी। विवेक हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। विवेक, देखा जाए तो 39 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जब बीजेपी ने जारी की थी तो सभी को चौंका दिया था, लेकिन अब दूसरी जो सूची जारी होने वाली है उसकी भी तारीख तय की गई थी कि सितंबर तक दूसरी सूची भी सबकी के सामने होगी, लेकिन अब उसमें कौन कौन से व्यवधान आ रहे हैं, क्यों देरी हो रही है? देखिए, बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद जो आधा दर्जन सीटों पे विवाद की स्थिति बनी उसे पार्टी दोबारा दोहराना नहीं चाहती है, और पहली सूची संगठन की रिपोर्ट और पिछले कई चुनावों के परिणाम के आधार पर जारी की गई, लेकिन दूसरी सूची में अमित शाह ने खुद एक सर्वे कराया है। इसके अलावा संगठन का भी सर्वे है। संगठन और अमित शाह के सर्वे में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है, यानी कि शाह की सर्वे में कोई और व्यक्ति है, संगठन की नजर में कोई और व्यक्ति है, और इसी दोनों रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए पार्टी के पास समय नहीं है, या कहें तो मंथन अभी भी जारी है। इसके पीछे की वजह है कि जो सीटें पहली अगस्त में जारी की गई थी, जो सूची पहली अगस्त में जारी की गई थी, उसमें संगठन की प्राथमिकता दी गई प्रत्याशियों के चयन में, लेकिन दूसरी बात 70 से अधिक जो सीटें जारी बीजेपी करना चाहती है इसमें अमित शाह की रिपोर्ट में जो प्रत्याशी है वो संगठन की रिपोर्ट में नहीं है, और यही कारण है कि लगातार बैठकें हो चुकी है, इसके बाद भी सूची फाइनल नहीं हुई है, और आला कमान की बैठक के लिए भी फिलहाल एक हफ्ते का समय लग सकता है। केंद्रीय आला कमान की बीजेपी की जो बैठक होगी इसमें एक सप्ताह का समय लगेगा। इसके पीछे ही कारण है कि प्रधानमंत्री की व्यस्तता और संगठन की जो तमाम कामकाज है उसमें सबसे ज्यादा अड़चने पैदा आ रही है, और यही कारण है कि बीजेपी की जो दूसरी सूची सितंबर के पहले सप्ताह में जो जारी होने वाली थी वो फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्राथमिकता उन्हीं उम्मीदवारों को दी जाएगी जो जिताऊ है, और सर्वे में जिनके नाम आए हैं संगठन की तरफ से जिसकी सिफारिश की गई है उनसे भी पूछा गया कि आखिर इस प्रत्याशी को टिकट देने की वजह क्या है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिनके टिकट में कटौती होती है, टिकट कटौती होने के बाद और कई बार ऐसे भी कई सारे दावेदार हैं जो कई सारी सीटों पर एक साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और ऐसे में काफी गफलत का भी विषय है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए, क्योंकि सभी अपनी ओर से पूरा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की दूसरी सूची कब तक जारी होती है। मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए, बीजेपी की दूसरी सूची पर मंथन लगातार जारी है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही साथ प्रदेश में जिस प्रकार से दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, दोनों में आपसी समन्वय बनाकर कोशिश की जा रही है कि दूसरी लिस्ट भी जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस की, जहां कांग्रेस की स्क्रीनिंग बैठक होने वाली है। 12 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जहां 100 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस उतारने वाली है। फीडबैक मध्य प्रदेश के इलेक्शन इंचार्ज ले चुके हैं, जहां विधानसभा चुनाव के लिए फीडबैक लिया जा चुका है। साथ ही कांग्रेस 20 सितंबर से पहले अपनी सूची जारी कर देगी। तो देखिए, बीजेपी की सूची जारी हो चुकी है प्रत्याशियों की, और अब ऐसे में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 12 सितंबर को होगी, और उसके बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी, जिसमें माना जा रहा है कि इसमें 100 प्रत्याशियों से भी ज्यादा अधिक इस सूची में शामिल हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे विवेक, लगातार जुड़े हुए। विवेक, बीजेपी की सूची जारी होने के बाद में सभी की नजरें कांग्रेस पर टिकी थी, हालांकि 12 सितंबर जहां पर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, बैठक के बाद ही कांग्रेस की ओर से चेहरे साफ हो पाएंगे। बिल्कुल, बीजेपी की पहले सूची जारी हो चुकी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी, सपा और बसपा की तरफ से भी कुछ उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और पिछले दिनों जब सितंबर के पहले ही सप्ताह में लगातार मैराथन बैठक चली स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और जो AICC के प्रभारी मध्य प्रदेश के बनाए गए हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने बैठक की और करीब 5 दिन तक ये लगातार बैठक हुई, और इस बैठक के आधार पर अब स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली में एक बैठक होने वाली है 12 सितंबर को। इस बैठक में मध्य प्रदेश में जो फीडबैक लिया गया प्रत्याशियों के नामों को उसको लेकर केंद्रीय आला कमान को रिपोर्ट दी जाएगी, और इस बैठक में KC वेणुगोपाल, जनरल सेक्रेटरी सहित जो तमाम नेता है वो भी मौजूद रहेंगे, लेकिन इससे पहले भी एक बैठक भोपाल में भी हो सकती है PCC दफ्तर में, और इसमें भी KC वेणुगोपाल आएंगे, और गोपाल के रिव्यू के बाद ही केंद्रीय आला कमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, और इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय आला कमान पहली जो सूची जारी करेगी उसकी संख्या 100 से ऊपर हो सकती है। और सबसे दिलचस्प बात है कि लगातार सुरजेवाला की दौरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, और यही कारण है कि सुरजेवाला ने अपना अस्थायी ठिकाना भोपाल में बना लिया है, और
बेहतरीन जाने माने रणनीतिकार है और आला कमान पर रणदीप सुरजेवाला पर काफी भरोसा है। और यही कारण है कि न सिर्फ सुरजेवाला ने मध्यप्रदेश में बैठक ली बल्कि स्थानीय संगठन के साथ चर्चा करने के साथ साथ जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उनके भी रिव्यू किया और इसी बिल्कुल के आधार तो फीडबैक लिया जा चुका है इलेक्शन इंचार्ज के द्वारा। और 20 सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में कांग्रेस के पत्ते भी साफ हो पाएंगे कि आखिर कांग्रेस की ओर से वो कौन कौन से प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं आपके पास लौटूंगी विवेक, बने रहिए हमारे साथ। देखिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 12 सितंबर को होगी और माना जा रहा है कि 12 सितंबर के बाद में कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के भाई कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि सीता शरण शर्मा के भाई गिरजा शंकर शामिल होंगे, जहां गिरजा शंकर ने पिछले दिनों पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी पर उपेक्षा का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया गया, जहां कमलनाथ से मुलाकात गिरजा शंकर कर चुके हैं और कई और कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस में शामिल होने वाली है। देखिए एक तरीके से माना जा सकता है कि बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, विधानसभा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के भाई कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, माना जा रहा है कि उपेक्षा के कारण वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस से क्या कुछ अपेक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल, गिरजा शंकर ने बीजेपी की प्राथमिक संस्था से पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि पार्टी को बीजेपी को हराने के लिए वो किसी के भी साथ जा सकते हैं और ये जरूर बात कही थी कि कांग्रेस में जाने से पहले वो विचार करेंगे। और पिछले दिनों गिरजा शंकर की कमलनाथ से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि अभी उन्होंने विचार नहीं किया है लेकिन अब गिरजा शंकर का मन बदल गया है, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला ले लिया है। कल संभवतः गिरजा शंकर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक कर और बीजेपी के भी कई कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। गिरजा शंकर दो बार के विधायक है, पिछले चुनाव इससे पहले के जो चुनाव हुए एक बार हार चुके हैं और सबसे दिलचस्प बात है कि बीजेपी के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा के भाई हैं और उन्होंने एक सबसे गंभीर आरोप लगाए थे कि बीजेपी अब पुराने नेताओं को तवज्जो नहीं दे रही है और ये गंभीर आरोप है। नर्मदापुरम संभाग से गिरजा शंकर आते हैं और जो शर्मा परिवार है, गिरजा शंकर है या फिर सीता शरण शर्मा है, इनका काफी अच्छा रसूख भी रहा है और साफ छवि के नेता रहे हैं और यही कारण है कि कमलनाथ ने बिना देरी करते हुए उन्हें ज्वाइन कराने का वादा कर दिया है। कल गिरजा शंकर अपने तमाम समर्थकों के साथ कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे और ये देखने के लिए मिल रहा मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस में अधिकांश बीजेपी के नेता शामिल हो चुके हैं और पिछले ही दिनों 8 जिलों के नेताओं को शामिल होने का सिलसिला चला, कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाते हुए कांग्रेस। और इससे पहले भी अगर विवेक देख लिया जाए तो कई ऐसे नेता है, चाहे हम दीपक जोशी की बात करें या फिर कई सारे नेता जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में वो तवज्जो नहीं मिल रही है। वो पुराने नेता है, उसके बावजूद भी जो सिंधिया समर्थक है उनको ज्यादा तवज्जो मिल रही है। तो इस प्रकार की बयानबाजी भी यहाँ पर की गई थी और इसी के चलते कहीं ना कहीं चुनावी साल में बीजेपी को एक बड़ा संकट बीजेपी के लिए खड़ा हो सकता है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के भाई है गिरजा शंकर, जो कि अब कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उदयनिधि स्टालिन की इलेक्शन कमेटी में शिकायत, जहां इलेक्शन कमेटी में वकील राहुल श्रीवास्तव ने शिकायत की है, चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होने देने की शिकायत की है। सनातन को लेकर स्टालिन ने एक टिप्पणी की थी और स्टालिन के खिलाफ साधु संत और समाज में रोष व्याप्त है। ऐसे में उदयनिधि के मध्य प्रदेश आने पर रोक लगाने की मांग भी यहां पर की गई है। तो देखिए उदयनिधि जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं और इन्होंने सनातन धर्म को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सियासत भी करवाई थी, जहां पर उन्होंने सनातन धर्म की डेंगू और मलेरिया से कंपैरिजन किया था और इसी की वजह से लगातार बीजेपी इन पर हावी होती भी नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, उदयनिधि स्टालिन की इलेक्शन कमेटी में शिकायत की गई है, अब इसे किस प्रकार से देखा जाए? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और कई ऐसे राजनीतिक दल है जो इसमें शामिल होंगे और खासतौर पर चुनाव प्रचार में, और जो एक नया संगठन कांग्रेस का बना था जिसे इंडिया कहा जा रहा है, इंडिया को लेकर विवाद अब भी
थामा नहीं है और इंडिया का विवाद इस कदर है कि भारत का नाम बदलने को लेकर भारत करने पर विचार किया जा रहा है। और इधर दूसरी तरफ उदय निधि की जो बयान थे सनातन धर्म को लेकर उस पर अब मध्य प्रदेश में शिकायत की गई है, चुनाव आयोग में बताया गया वकील राहुल श्रीवास्तव से शिकायत की गई है और ये कहा गया है कि उदय निधि पर मध्य प्रदेश आने और उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए। और ये शिकायत सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब एनडीए का अलायंस बनकर तैयार हुआ है और इंडिया के अलायंस की तरफ से जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है उनके बेटे उदय निधि स्टालिन की तरफ से जो सनातन को लेकर बात कही गई इससे सबसे ज्यादा साधु संतों में रोष है। उसी बात का हवाला किया गया इससे शांति व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है उसकी इसी बात को लेकर चुनाव आयोग ने शिकायत की गई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब इसमें चुनाव आयोग का एक्शन क्या होगा क्योंकि अभी तक स्टालिन की तरफ से कोई रुख साफ नहीं किया है, उन्होंने ना तो माफी मांगी है और ना ही कोई सफाई पेश की है। लेकिन स्टालिन के इस बयान से मध्य प्रदेश की जो तमाम साधु संत बड़े नेता है उनकी तरफ से सबसे ज्यादा निंदा की गई है। बीजेपी इसे काफी निंदनीय बता रही है और इसके लेकर कांग्रेस पर भी इसके सवाल उठ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि एक जो सबसे दिलचस्प बात है कि अक्टूबर में इंडिया समूह की बैठक होने वाली है, इसमें क्या स्टालिन शामिल हो सकते हैं या फिर जी बड़े सवाल है। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन कमेटी चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ फैसला करता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए उदय निधि स्टालिन की लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है, उनकी एक टिप्पणी सनातन धर्म को लेकर अब उनके लिए कई सारी परेशानियां भी खड़ी कर रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।